चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सुबह 7:30 बजे आप करंट अफेयर्स देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के करंट अफेयर्स हम चर्चा करेंगे, इसके साथ इसके स्ट्रेटेजी के और साथ साथ देश दुनिया की खबरों से आपके लिए बनाए गए प्रश्न जो परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस कब मनाया है? सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस कब मनाया, ये प्रश्न आपके साथ, और शानदार प्रश्न है। यहां पर आप सीआरपीएफ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। आप बताइए सीआरपीएफ स्थापित कब हुआ था, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया कब जाता है? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाई जाती है 27 जुलाई को। कब मनाते हैं? 27 जुलाई, और 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे। सीआरपीएफ, आप लोग बताइए सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है, क्या नाम है सीआरपीएफ का पूरा नाम? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको बोलते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना। इसने अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी और यह 27 जुलाई को मनाया है ना, तो इसकी स्थापना हुई थी वैसे 27 जुलाई 1939 को, है ना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को अधिनियम के साथ लागू होने पर केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसका स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। स्थापना याद रखेंगे, स्थापना 27 जुलाई 1939 को, लेकिन जब बाद में देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद इनको 1949 में क्या किया गया, पुनः जो है इसको गठित किया गया और 1949 में आ गया स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम, 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम एक्ट लागू हुआ, और लागू होने के साथ ही यह क्या बन गया, सीआरपीएफ बन गया। तो स्वतंत्रता के बाद क्या पूछा जाए तो यह बताएंगे, लेकिन इसकी स्थापना हो गई थी 27 जुलाई 1939 को, और इसने अपनी 84वां स्थापना दिवस मनाया है। और सीआरपीएफ का भी हेड कौन है, तो सीआरपीएफ के हेड है कुलदीप सिंह, इसके महानिदेशक आप कहेंगे कुलदीप सिंह, है ना, सीआरपीएफ महानिदेशक आईपीएस कुलदीप सिंह है सीआरपीएफ के महानिदेशक। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, महानिदेशक जो है वह है कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह महानिदेशक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा, महानिदेशक कुलदीप सिंह है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां पर स्मार्ट ई बिट प्रणाली की शुरुआत की है, कहां पर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में। कहां किया? गुरुग्राम में किया है। क्या है ये स्मार्ट ई बिट प्रणाली? होगा क्या कि गुरुग्राम में क्या किया जाएगा कि बाइकर्स रखे जाएंगे, बाइकर्स कितने, 119 बाइकर, है ना, शिफ्टों में काम होगा और इनको पुलिस करेगी। और क्या करेगी इसमें, ये सभी को गुड़गांव के जितने भी पुलिस थाने हैं, गुड़गांव का क्षेत्र है, उसमें क्या करेंगे, घूमेंगे, घूमकर पेट्रोलिंग करेंगे। आप कह सकते हैं कि पूरे गुड़गांव में, पूरे गुड़गांव नगर में, गुड़गांव या गुरुग्राम, गुड़गांव में घूमकर, है ना, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का मतलब होता है घूमना और जांच उच करना, इस तरीके की कोई चोरी चकैती डकैती छीना झपटी चैन स्नेचिंग ये सब ना हो, पेट्रोलिंग, है ना। तो याद रखेंगे, इसीलिए यह शुरू किया गया है, क्या, स्मार्ट ई बिट परियोजना, स्मार्ट ई बिट प्रणाली शुरू किया गया है, याद रखेंगे। तो मनोहर लाल खट्टर ने इसकी उद्घाटन किया, उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने उद्घाटन किया, उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे, यह भी एक प्रश्न बनेगा, किसने उद्घाटन किया, और यह बहुत ही शानदार है, 119 मोटरसाइकिल राइडर चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे,
सिस्टम से जुड़े 119 मोटरसाइकिल राइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। ये राइडर चप्पे चक्कर निगरानी करेंगे, पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगा, है ना, पूरी तरीके से डिजिटलाइज। प्रत्येक मोटरसाइकिल राइडर पर दो पुलिसकर्मी होंगे, एक जो राइडर होगा उस पर कितने पुलिसकर्मी, दो पुलिसकर्मी होंगे, है ना। और इस तरीके से कुल दिन में 3 शिफ्ट हो गया, 714 पुलिसकर्मी राइडर पर ड्यूटी देंगे। पुलिस ने शहर में 2056 संवेदनशील जगहों को पहचान कर, जैसे एटीएम, पेट्रोल पंप, वरिष्ठ नागरिक के घर, कॉलेज, अपराध प्रभावित क्षेत्र में शामिल कर लिया है ना। तो ध्यान रखेंगे जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं। अच्छा, जो हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है, ये भी याद रखेंगे। हरियाणा की राजधानी कहां है, चंडीगढ़। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईसीसी ने किन देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया, आईसीसी ने किन सदस्यों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है, तो आईसीसी ने इन तीनों को, ये सभी हो जाएगा, कंबोडिया को भी, उज्बेकिस्तान को भी, और कोटे डी आइवरी कोस्ट भी इसको बोला जाता है, इन तीनों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दे दिया है। और इस तरीके से आईसीसी के कुल सदस्यों की संख्या हो गई 108। कितने सदस्य बने गए आईसीसी के, 108। लास्ट में जो सदस्य बने था अमेरिका सदस्य बना था, 105वां सदस्य बना था, कौन, अमेरिका। तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 108 सदस्य हो गए। अभी उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और कोटे डी आइवरी, अर्थात इन तीनों को ही शामिल कर लिया गया है आईसीसी के एसोसिएट सदस्य के रूप में, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909। मुख्यालय कहां है, मुख्यालय है दुबई में, और सदस्यों की संख्या हो ही गई, तो ये बात याद रखेंगे, है ना। ग्रेग बार्कले इसके क्या है, इसके जो है हेड है, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। कंबोडिया की राजधानी, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवरी की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी है नोम पे। कंबोडिया की राजधानी कहां है, इन राजधानियों के नाम याद रखेंगे, नोम पेन। और ये किधर आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है, आसियान का सदस्य है राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है, ये भी याद रखेंगे। और कोटे डी आइवरी की राजधानी क्या है, कोटे डी आइवरी की राजधानी तो कोटे यामो सुक्रो, कोटे डी आइवरी की राजधानी यामो सुक्रो इसकी राजधानी है, यह ध्यान रखेंगे। तो ये कोटे डी आइवरी पश्चिमी अफ्रीका में है, यह अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीका में आता है, उज्बेकिस्तान एशियाई में है और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इस तरीके से ये बातें ध्यान रखेंगे आईसीसी के बारे में। अगला प्रश्न, ट्राई ने निम्न में से कहां पर 5G तैयारियों का ट्रायल किया है, तो कहां 5G तैयारियों का ट्रायल किया है आईसीसी ने, तो यह किया है ये तीनों जगह, भोपाल में भी किया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी है, कांडला एयरपोर्ट है, कांडला एयरपोर्ट पर भी किया है, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में भी। तो चार जगह हो गए, भोपाल, दिल्ली एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु, ये सभी जगहों पर क्या किया है, ट्राई ने क्या किया है, 5G सेवाओं का ट्रायल कर लिया, 5G सेवाओं का क्या कर लिया, ट्रायल कर लिया इन सभी जगहों पर। ये पूछा जाएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात जरूर याद रखिएगा। ट्राई का पूरा नाम क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द राइट आंसर है। तो इस तरीके से ट्राई ने 5G तैयारियों के लिए ये पूरा जो है तैयारी किया है ट्राई के द्वारा, 5G तैयारियां हैं इन सभी जगह पर, 5G ट्रायल पूरा कर लिया गया 5G नेटवर्क का, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्राई ने अब ट्राई की स्थापना कहां हुई थी,
है ना, तो ट्राई की स्थापना हुई थी 1997 में, ट्राई की स्थापना 1997 में, ध्यान रखेंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेड ऑफिस कहां है, है ना, इसका हेड ऑफिस कहां है, इसका है नई दिल्ली, हेड ऑफिस नई दिल्ली, अध्यक्ष जे एस शर्मा, मुख्यालय जो है नई दिल्ली, है ना, जे एस शर्मा, जे एस शर्मा इसकी क्या है अध्यक्ष है ट्राई। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए यह बनाया गया है। अगला प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यह 28 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में 28 जुलाई को, है ना। और इसके बारे में देखिए, अब ये कब से मनाया जा रहा है, क्या मनाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाने, व्यक्तियों की भागीदारी, जनता द्वारा कार्यों के जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए WHO की 2017 की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया, तब से यह मनाया जा रहा है, है ना, ये याद रखना है आपको। सब बताया गया है कि हेपेटाइटिस के चलते पूरी दुनिया में हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, हर 30 सेकेंड में, हर 30 सेकेंड में, सेकेंड में दुनिया में, दुनिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हेपेटाइटिस से, एक व्यक्ति की मृत्यु हेपेटाइटिस से होती है, समझ लो, प्रति मिनट 2 लोग हेपेटाइटिस से मर जाते हैं, WHO ने यह आंकड़ा बताया है। हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लगातार गंभीर हो रही बीमारी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। WHO ने हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य कहां रखा, WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, खत्म करने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य रखा है। तो भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके परीक्षा के लिए, हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार की थीम क्या है, आई कांट वेट, 2022 की थीम, हेपेटाइटिस दिवस 2022 की थीम, 2022 की थीम यहां कह सकते हैं विषय, आई कांट वेट, आई कांट वेट, ये इसकी थीम है, याद रखेंगे थीम खूब पूछा जाता है, आई कांट वेट, है ना, 2022 की थीम, आई कांट वेट 2022 की थीम है। अभी 28 जुलाई को क्यों मनाते हैं, तो 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार भी देता डॉक्टर फारूक बलमबर्ग के जन्मदिन पर, यह मनाया जाता है डॉक्टर बारूक बलमबर्ग के जन्मदिन पर, डॉक्टर बालक बलमदिन के बलमबर्ग के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे आप लोग, है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता ये वैज्ञानिक है। तो सारी बात याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और ये कब से मनाया जा रहा है, एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, 2008 में पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 2008 में मनाया गया था WHO के द्वारा। WHO का मुख्यालय कहां है, जेनेवा में। स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948, WHO मुख्यालय जेनेवा, और WHO के अभी निदेशक कौन है,
ट्रेडेस एगानम घेब्रेसस। अगले प्रश्न पर आइए, स्विस ओपन 2022 को किसने जीता है? स्विस ओपन 2022 को किसने जीता है? क्या जीत लिया है? कैस्पर रूड ने। किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। किसको हराया इन्होंने? मोंटेओ बोरेटनी को हराया, इनको हराया। किसको हराया इन्होंने? मोंटेओ बोरेटनी। और जीता किसने? कैस्पर रूड ने जीता है। ध्यान रखेंगे, कैस्पर रूड ने मोंटेओ बोरेटनी को हराकर क्या जीत लिया? स्विस ओपन 2022 जीत लिया, है ना। इस साल का कैस्पर रूड का इस साल तीसरा जीत है, तीसरा जीत है इस साल, थर्ड जीत है, ये याद रखेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है इस बार कैस्पर रूड ने स्विस ओपन 2022 को जीत लिया। किसको हराया? मोंटेओ बोरेटनी को हराया। अब तक के 7 बार पुरस्कार जीत चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने किया है? 2024 के बाद, तो 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर या अंतरराष्ट्रीय स्पेस, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ISS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है रूस ने। 2024 के बाद अपना खुद का बना लेगा। 2024 के बाद रूस खुद काम शुरू कर दिया है, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा, है ना। याद रखेंगे, पहले जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन था किन किन को मिलकर चलता था? यूएसए और प्लस रूस, रशिया, ये दोनों मिलकर बनाए थे, ऑपरेट कर रहे थे, यूएसए और रशिया मिलकर बनाते थे। अब रशिया अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है, तो याद रखेंगे रूस इज द राइट आंसर। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को, मॉस्को इसकी राजधानी है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रशिया के साइबेरिया में ही सबसे बड़ा झील बैकाल झील है, याद रखेंगे बैकाल झील रशिया के साइबेरिया में ही है। हाँ, मीठे पानी की झील है और दुनिया का सबसे गहरा मीठे पानी का झील बैकाल झील रूस के साइबेरिया में है। किस व्यक्ति ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो जीता है कौशिक राजशेखर ने। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखना। ये प्रश्न डायरेक्ट वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के बारे, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर को दिया गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको यह पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए इसको अधिक दक्ष बनाने के लिए, बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में आयोजन के दौरान दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 12 से 14 अक्टूबर के बीच मॉस्को में दिया जाएगा, तो यह भी याद रखेंगे, दिया जाएगा। तो यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूस के मॉस्को में दिया जाएगा जहां पर इसकी बैठक होगी। तो ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार कौशिक राजशेखर। प्रख्यात असमिया व्यक्तित्व अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया, अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से थे? तो यह थे साहित्यकार, लेखक जो है साहित्यकार के क्षेत्र में आते हैं। तो प्रख्यात असमिया व्यक्तित्व अतुलानंद गोस्वामी का निधन हुआ, यह थे लेखक थे, है ना। ये जो है इस तरीके के प्रमुख व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। 87 वर्ष की उम्र में इनका जो है मृत्यु हो गई है। 2006 में इनको सेने जरीर गांधी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 87 वर्ष के थे,
कितने वर्ष के थे? 87 वर्ष के थे, है ना। 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, अतुलानंद गोस्वामी प्रसिद्ध साहित्यकार जिनकी निधन हो गया है। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये होगा भारत में, भारत में होगा क्या? फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 में भारत में किया जाएगा। शानदार प्रश्न है, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग इसको याद रखेंगे, आप लोग लिख के रखिएगा इसको। तो और ये होगा कब? 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच। कब होगा? 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच भारत में, भारत में होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग याद रखें, कभी पूछा जा सकता है, बेहद महत्वपूर्ण है। द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का सातवां संस्करण पहला ऐसा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। 2 वर्षों में होता है, सातवां संस्करण है, सातवां संस्करण संस्करण है, 2 वर्षों में होता है, 2 वर्षों में होता है, पहली बार भारत में हो रहा है, पहली बार भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है, ये भी याद रखना है, पहली बार भारत में हो रहा है, सातवां संस्करण, भारत में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन। चलिए, अच्छा, फीफा मेंस, फीफा जो है मेंस विश्व कप कहां होगा? फीफा का जो है मेंस का जो विश्व कप होता है, फीफा फुटबॉल विश्व कप, वो होगा अभी 2022 में, 2022 में कतर में, कतर में फीफा मेंस मतलब पुरुषों का फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल विश्व कप कतर की राजधानी दोहा में विश्व कप का होगा, ये भी याद रखेंगे, इस साल ही होगा कतर में फीफा मेंस विश्व कप। हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे पूर्व सेना प्रमुख है, तो अमेरिका के, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए मनोज मुकुंद नरवणे को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, वर्तमान में सीडीएस कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और सेना, सेनाध्यक्ष अभी कौन है? सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, कौन है? मनोज पांडे, वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, और मनोज मुकुंद नरवणे क्या है? सीडीएस है। इन्हीं को अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कमला हैरिस है ना, ये भी याद रखें, कमला हैरिस। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी सबसे बड़ी, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है?
सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है, तो ये जापान का है, जापान बी आंसर है। और सकुराजिमा जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी, या सक्रिय ज्वालामुखी है जो अभी विस्फोट हुआ था। 3 दिनों तक लगातार इसे राख और लावा निकलता रहा, मैग्मा निकलता रहा था बाहर। तो सकुराजिमा ज्वालामुखी अब पूछा जाएगा, और जापान के ज्वालामुखियों के भी नाम आपको याद रखना होगा कि यह किस तरीके से सकुरा ज्वालामुखी, सकुरा ये ज्वालामुखी जो है सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है, तो अन्य ज्वालामुखियों के भी नाम आपको याद रखना है। जापान में जो ज्वालामुखी है उनका नाम याद रखना है। तो अन्य सक्रिय ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो माउंट फिजी है ना, जापान के अन्य सक्रिय ज्वालामुखी माउंट फिजी, ये एक हो जाएगा माउंट फिजी, इस तरीके से याद रखेंगे, फिजी या फूजी भी कहते हैं, माउंट एसो माउंट, इसको फूजी ही कर दिया, माउंट फूजी, माउंट एसो, ये क्या हो जाएगा, सब सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एसो, माउंट अंजेन, माउंट अंजेन, ये क्या हो जाएगा। इसके बाद सकुराजिमा तो हो गया, माउंट असामा, माउंट असामा, ये एक ज्वालामुखी हो जाएगा, माउंट असामा, माउंट ओनटेक, माउंट ओनटेक, माउंट ओनटेक आप ये कर सकते हैं, सिनमो, सिनमो एड के माउंट एक, माउंट एक, ये कुछ ज्वालामुखी है आप इसका नाम याद रखेंगे, माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा, फ्यूजियामा ध्यान रखेंगे, माउंट फ्यूजियामा जापान की सबसे ऊंची, जापान की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट की सबसे, जापान की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है ना, वर्तमान में तो यह सुप्त है, तो माउंट फ्यूजियामा भी जापान में है ना, ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो, टोक्यो है, और जापान के जो हाँ किशिदो फुमियो किशिदा, नहीं नहीं मैंने पहले से ही है, फुमियो किशिदा यहां के पीएम है, किशिदा ये कौन है? पीएम है जापान के। अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ते भी याद रखिएगा किस देश के प्रधानमंत्री को। और जापान के टोक्यो में ही पिछला ओलंपिक हुआ है जिसमें भारत ने एक गोल्ड मेडल के साथ 7 मेडल जीते थे। हाल ही में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहां शुरू हुआ? स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण शुरू हुआ है नई दिल्ली में। स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? 10वां, नई दिल्ली में शुरू हुआ, ध्यान रखेंगे, और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये पूरा चलता रहेगा एक के बाद एक के बाद एक, स्वर सम्राट फेस्टिवल, स्वर सम्राट फेस्टिवल जो है इस तरीके से चलता रहेगा। 23 जुलाई को दिल्ली में शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ? 23 जुलाई को, 23 जुलाई को शुरू हुआ था। अब देखो ये घूमेगा दिल्ली के बाद कहां? कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की यात्रा करेगा। दिल्ली के बाद कोलकाता, फिर जाएगा मुंबई, फिर बेंगलुरु, ये क्रम याद रखेंगे आप लोग। बेंगलुरु की यात्रा, यात्रा करेगा या आयोजित होता है इस तरीके से, नई दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, इस तरीके से यात्रा करेगा। और ये 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में, शुरुआत कब से हुई है? 23 जुलाई 2022 से। नई दिल्ली की राजधानी, राजधानी है दिल्ली की, राजधानी है भारत की भी राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम जरूर याद रखिएगा, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना यहाँ के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और दिल्ली की गौरैया जो है, यहाँ के गौरैया हाँ पक्षी है, राजकीय पक्षी है, गौरैया राजकीय पक्षी है।
अभी दिल्ली के एनसीआर की सीमा घटाकर 100 किलोमीटर तक ही कर दी गई है। एनसीआर की सीमा घटाकर 100 किलोमीटर तक करी जाएगी। एक रुपए वाले डॉक्टर नाम से मशहूर किस बंगाली चिकित्सक का हाल ही में निधन हो गया? सिर्फ एक रुपए में चिकित्सा करते थे, इनको पद्मश्री मिला हुआ था। एक रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर किस बंगाली चिकित्सक का हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम है सुशोभन बंदोपाध्याय। शानदार प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में जरूर रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रुपए का चिकित्सक, एक रुपए का डॉक्टर के नाम से मशहूर है यहां, एक रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर। 84 वर्ष के थे, गुर्दा संबंधी रोगों के कारण ही की मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है ना। 84 वर्ष के थे, 84 वर्ष के थे, तो ये याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इंच बोलपुर से विधायक भी रहे हैं, सन 2020 में पद्मश्री मिला था, 2020 में पद्मश्री मिला था, तो यह भी याद रखेंगे आप लोग। एक रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ये सारी बातें याद रखेंगे, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। हाल ही में किसने संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की है? तो हाल ही में यह थिएटर कमांड की घोषणा जो किया है, यह किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या है यह नाम? त्रिसेवा थिएटर कमांड बनाने की घोषणा की है, और राजनाथ सिंह जो है वो है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है, तो याद रखिएगा, त्रिसेवा थिएटर कमांड बनाए जाने की घोषणा। सशस्त्र बलों के बीच समन्वय में सुधार के लिए, सशस्त्र बलों के बीच समन्वय एवं सुधार के लिए, है ना, यह किया गया है, समन्वय एवं सुधार के लिए। तीन सेवाओं को एकत्रित करके बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण इस तरीके के प्रश्न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बनाया गया है। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और ये कब किया गया है, इसका गठन करने को कहा गया है 26 जुलाई के दिन। 26 जुलाई को कारगिल दिवस था, इस कारगिल दिवस के अवसर पर किया गया। तो त्रिसेवा थिएटर कमांड राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री था, उन्होंने यह काम किया है और इसी के लिए हुआ है ना। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स आपको शानदार तरीके से पढ़िए, लिखिए, अपना मैगजीन खुद बनाइए और इसको याद रखिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।